Machiavelli. Bitches come and go. दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे राजू दीदी और परनाज के बारे में और साथ ही बात करेंगे राजू दीदी की चेंजिंग लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों परनाज और राजू दीदी की जोड़ी सोशल मीडिया पर छाई हुई है और लोग इनकी जोड़ी को खूब सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे राजू दीदी की चेंजिंग लाइफस्टाइल से लेकर सोशल मीडिया लाइफ तक की पूरी कहानी के बारे में और साथ ही जानेंगे राजू दीदी की पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों राजू दीदी को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। जो लोग पहले राजू दीदी का मजाक उड़ाते थे और उन्हें उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन अब वही लोग राजू दीदी के फैन बन चुके हैं, उनसे बात करने और मिलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अब राजू दीदी भी बदली बदली हुई सी नजर आ रही है। जेन टाइम में राजू दीदी अलग लुक में ही नजर आ रही है। राजू दीदी ने अपने लुक और स्टाइल दोनों को ही चेंज कर लिया है। राजू दीदी का फुल नेम राजबीर कौर है और निक नेम राजू है। इनका जन्म 1991 को पंजाब के तरन तारण साहिब सिटी के एक गांव थारू में हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं राजू दीदी की फैमिली के बारे में। तो इनकी फैमिली में राजू दीदी की माँ, एक भाई और एक बहन है। राजू दीदी की शादी हो चुकी है और इनके 3 बच्चे भी है, एक लड़की और 2 लड़के। लड़कों का नेम सोनू मोनू है और लड़की का नेम खुशी है। राजू दीदी किसी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं। जेन टाइम में वो अपने माँ के घर पर ही रह रही हैं। बात कर ले राजू दीदी के एजुकेशन की तो वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। तेरे हाथ विच हाथ होवे मेरा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि राजू दीदी सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल कैसे हुई। साथ ही बात कर लेते हैं परनाज और राजू दीदी की मुलाकात कब और कहां हुई। दोस्तों राजू दीदी की मां परनाज के यहां काम करने आया करती थी। उनकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से उनसे काम नहीं हो पाता था। फिर राजू दीदी की माँ ने अपनी बेटी यानी राजू दीदी को परनाज के घर पर काम करने के लिए भेजने लगी। राजू दीदी परनाज के घर रोज काम करने के लिए जाया करती थी। तब परनाज अपनी बहन के साथ टिकटॉक पर वीडियोज बनाया करते थे। फिर एक दिन परनाज ने सोचा कि उन्हें राजू दीदी के साथ वीडियोज बनाए जाएं। परनाज ने मौज मस्ती में राजू दीदी के साथ एक वीडियोज बनाया और उसे अपलोड कर दिया। उस वीडियोज पर अच्छे खासे व्यूज आए। फिर परनाज ने सोचा क्यों ना राजू दीदी के साथ ही वीडियोज बनाए जाएं। और फिर परनाज ने डेली राजू दीदी के साथ वीडियोज बनाना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते इनकी वीडियोज तेजी से वायरल होने लगी। और फिर लोग इनकी वीडियोज को इतना ज्यादा पसंद करने लगे थे कि इनकी न्यू वीडियोज आने का वेट भी करने लगे। इनकी वीडियो ज्यादातर स्लो मोशन सॉन्ग पर होती थी, जिस कारण लोग यही जानना चाहते थे कि इनका आखिर रिश्ता क्या है। फिर परनाज ने एक दिन लाइव आकर बताया कि मैं राजू दीदी को अपनी बहन मानता हूँ और उन्हें हमेशा राजू दीदी कहकर ही बुलाता हूँ। दोस्तों तभी से इन्हें सब राजू दीदी के नाम से जानने लगे थे। दोस्तों टिकटॉक पर भी इन्हें खूब फेम मिला था। टिकटॉक पर इनके 2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे और तभी टिकटॉक इंडिया से बैन हो गया। उसके बाद परनाज ने रील्स पर वीडियोज बनाना स्टार्ट कर दिया। परनाज और राजू दीदी दोनों एक साथ मिलकर वीडियोज बनाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के बारे में। तो परनाज की इंस्टा आईडी परनाज रंधावा के नाम से है, जिस पर 326K फॉलोअर्स हो चुके हैं। और राजू दीदी की इंस्टा आईडी राजू दीदी काजोल के नाम से है, जिस पर 35.6K फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है परनाज रंधावा के नाम से, जिस पर 124K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिस पर ये लोग ब्लॉग्स वीडियोज बनाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजू दीदी की फेवरेट थिंग्स और हॉबीज के बारे में। तो राजू दीदी को मेकअप करना, ट्रेवलिंग करना और वीडियोज बनाना बहुत ज्यादा पसंद है।
इनकी फेवरेट एक्ट्रेस काजोल है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजू दीदी की फिजिकल स्टेटस के बारे में। तो इनकी हाइट 4.10 इंच है और बॉडी वेट लगभग 50 केजी है। इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर लाइट ब्राउन है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं परनाज और राजू दीदी के बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो परनाज और राजू दीदी का बहुत खूबसूरत और प्यारा रिश्ता है। परनाज राजू दीदी को अपनी बहन मानते हैं, वो राजू दीदी की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। वहीं राजू दीदी भी बहुत ज्यादा प्यारी हैं, वो भी परनाज की बहुत ज्यादा देखभाल करती हैं। दोस्तों आपको परनाज और राजू दीदी की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी परनाज और राजू दीदी की चेंजिंग लाइफ से लेकर सोशल मीडिया लाइफ तक की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अबले छुले लुट दा अज जट फोटो पा दे।